अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के लिए नई रेसिपी लाई हूँ जिसका नाम है रागी की रोटी और टमाटर प्याज की चटनी। तो इसके लिए सबसे पहला हम बनाएंगे चटनी, टमाटर की चटनी हम बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए, मैंने ली हूँ यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज और दो टमाटर और यहाँ पे थोड़ा जीरा और ये तीखी वाली सूखी लाल मिर्च और थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली। और यहाँ पर लहसुन है, चार से पांच लहसुन है और ये थोड़ी सी कोतमीर। तो सबसे पहला हम चटनी बनाते हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कढ़ाई रख दी हूँ और गैस चालू कर दी हूँ। अब यहाँ पर हम डालेंगे तेल, ऑयल 3 चम्मच मैंने ऑयल डाल दी हूँ। अब इसमें सबसे पहला हम डाल देंगे जीरा, अब यहां पर हम डालेंगे प्याज, ये मोटी मोटी मैंने प्याज काटी हूँ। अब इसको हमको ज्यादा फ्राई नहीं करना है, कच्ची पक्की करना है। टमाटर और प्याज की चटनी बहुत टेस्टी भी होती है, अच्छी भी होती है। और इसके पहले मैंने लहसुन की चटनी भी डाली थी, उसमें कुछ डालना नहीं पड़ता है, सिर्फ लहसुन की रहती है। तो ये, लेकिन ये वाली जो चटनी बना रही हूँ टमाटर और प्याज की, और ये भी खाने में बहुत टेस्टी होती है। और इसको हम कच्ची पक्की फ्राई करेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम मिर्ची और ये लहसुन, इसको भी इसमें अच्छे से भून लेंगे। और इसमें हम डाल देंगे टमाटर, अब इसको भी अच्छे से हम चलाते हुए भून लेंगे। अब थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे कि हमारे टमाटर गल जाए। ये देखिए, थोड़ा सा हम डाल देंगे नमक। और थोड़ी सी ये कोथमीर हमने काट के रखा था, ये भी इसमें डाल दें। इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर स्लो पे रखेंगे कि टमाटर गल जाए। चलिए देखते हैं टमाटर गल गए लगता। हाँ, माशाल्लाह टमाटर गल गए हैं। अब मैं गैस बंद करके इसको ठंडा करके मिक्सर जार में पीस के आपको बताती हूँ। चलिए देखिए, मैंने चटनी भी यहाँ पर पीस के प्याली में निकाल दी है। अब हम चटनी को बघारेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये रख दी हूँ यहाँ पे छोटा फ्राई पैन, वो हिल गिर रहा था इसलिए मैंने जाली रख दी। अब इसमें 1 चम्मच मैंने तेल डाल दी हूँ। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सी राई और थोड़ा सी जीरा बघारने के लिए। अब गैस को बंद कर देती हूँ और फिर इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। अगर इसमें डाल दूंगी तो वो उड़ने लगता है। बस
बस अब हम चटनी पे डाल देंगे। ये हो गई हमारी चटनी रेडी। ये देखिए रेडी हो गई। हाँ तो चलिए देखिए चटनी हमारी रेडी हो गई है। अब हम रोटी डालेंगे रागी के। तो इस कप से मैंने 1 कप लिया हूँ आटा। अब यही कप से हम पानी गर्म पे रखेंगे। चलिए देखिए अब मैंने यहाँ पे पतीली रख दी हूँ। अब यहाँ पर 1 कप पानी हम इसमें डाल देंगे गर्म होने के लिए। अब इसी कप से मैंने आटा भी लिया है और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। अब पानी को हम गर्म होने देंगे क्योंकि हमको इसका डो लगाना है। देखिए इसको तो बहुत से लोग रागी बोलते हैं, बहुत से लोग इसको नाचनी बोलते हैं, ज़्यादातर तो हम लोग इसको नाचनी बोलते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद भी होती है क्योंकि जिसको शुगर होती है उसके लिए ज़्यादा फायदा करती है। शुगर वालों को देखो गेहूं की रोटी नुकसान भी करती है। डेली हम गेहूं की रोटी इस्तेमाल करते हैं तो वो कैसा नुकसान करती है। और ये अगर शुगर वाले डेली अगर ये रागी की रोटी खाए 2 चपाती 3 चपाती दोपहर में शाम में सुबह में तो इससे क्या डायबिटीज़ बढ़ता नहीं है और उन लोगों को फ़ायदा भी करता है और ये खून बढ़ाने में काफ़ी फ़ायदा भी करता है। और जिसका वज़न जैसे ज़्यादा है तो उसका वज़न भी ये कम करता है। ऐसे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं भी आपको धीरे धीरे सब बताती जाऊँगी। चलिए पानी तो हमारा हो गया है। अब इसमें हम ये गैस को हम थोड़ा स्लो कर देते हैं और इसमें डालते हैं आटे को। इसको चला देंगे अच्छे से। अब गैस को बंद कर देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको ढकनी ढाक के 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए देखिए 5 मिनट हो गया है। अब देखते हैं आटे को। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। हल्का गरम है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंथते जाएंगे। पानी का हाथ लगा लगा के गूंथते जाएंगे। जैसे हम लोग चावल की रोटी बनाते ना सेम प्रोसेस वैसा ही है इसमें भी। थोड़ा थोड़ा पानी का हाथ लगाते जाएंगे क्योंकि थोड़ा गर्म है ये तो हमारे हाथ में झटका नहीं लगेगा। ये देखिए बहुत जल्दी से ये आटा मिक्स हो जाता है। कितने जल्दी गुन गया। अब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे। ये देखो हो गया। ऑयल लगाने से क्या चिपकता नहीं है वो हाथ में।
ये लीजिए रेडी। अब इसको हम ढक के रख देंगे, थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अभी हम रोटी बेलना। तो यहाँ पे देखिए, अब हमको जैसी छोटी बड़ी जैसी भी बनाना है हम उसको बना सकते हैं। आटा कैसा होता है, ये रबर की तरह खींचता है, लेकिन कितने फायदेमंद भी है इसकी रोटी। कितना तो इसका रोटी बनाते हैं, चीले बनाते हैं, सूप बनाते हैं, बहुत से लोग अलग अलग हिसाब से बनाते हैं इसको। अब हम इसको बेल देंगे। बेलने में भी कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए, मुझे तो इसको बेलने में बड़ा मजा आ रहा है, जैसे गेहूं की हम लोग रोटी बेलते, बस ऐसा ही इसको बेलना है। ये देखिए, ये हो गई रेडी। ये देखिए हमारी रोटी बेल गई। इसी तरीके से हम दूसरी सब बेल लेंगे। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर तवा भी रख दी हूँ और हमने इसको बेल भी लिया है। अब हम इसको सेकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवा भी गर्म हो गया है, अब इसको सेकेंगे। अब इसको पीछे पलट देंगे। अब इसको कपड़े से हम अच्छे से सेक लेंगे। आप इसको चम्मच से भी सेक सकते हैं, लेकिन मैं कपड़े से सेकती हूँ। कितनी फूली जा रही है रोटी। खाने में ये बहुत टेस्टी होती है। मेरे घर में तो हमेशा, मैं जब से मुझे मालूम पड़ा है तो मैं हमेशा ये बनाती हूँ, और मुझे भी बहुत पसंद है और फिर मेरे शौहर को भी पसंद है, क्योंकि उनको शुगर है, तो उस हिसाब से मैं इनको यही बना के ज़्यादातर देती हूँ। और इसे हल्का सा हम ऑयल लगा देंगे, अगर आपको लगाना है तो लगाइए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसको निकाल। अब दूसरी भी ऐसे ही हम सेक लेंगे। अब सेक के मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमारी रोटी भी रेडी हो गई है, और कितनी सॉफ्ट होती है ये, गेहूं की रोटी से ज्यादा ये सॉफ्ट होती है। तो ये पूरी तैयार हो गई है, और ये इसके फायदे, और ये भी है कि ये जो रागी होती है छोटे बच्चे लोग के लिए बहुत फायदा करती है। जैसे छोटे बच्चे लोग को दांत आते हैं, दांत निकलने में इनको तकलीफ होती है, तो इसी रागी के आटे का बच्चों लोग को सूप बना के बुलाओ तो उनको दांत निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसके तो ऐसे बहुत सारे फायदे भी हैं, तो मैं आपको बाद में फिर इसका जो चीला है बताऊंगी, तो उसके साथ साथ मैं इसके और भी फायदे आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर चटनी भी तैयार हो गई, रोटी भी तैयार हो गई है,
और आप लोग मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए, खाइए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।